हेलो एवरीवन, आई एम साकेत वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून। चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन सेज अ कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कॉनकेव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विद अ डिस्टेंस डी बिटवीन देम। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए लीव्स बी एज अ पैरेलल बीम, then the distance d in centimeter will be dash। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है ए और एक कॉनकेव लेंस है बी, है ना। और हम लोग देख पा रहे हैं कि पैरल बीम ऑफ लाइट जो है वो फॉल कर रही थी ए पे। तो जब पैरल बीम फॉल करेगी तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कहां पर कन्वर्ज कराएगी उसे, अपने फोकस पे। क्लियर ही बात। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस होती तो ये जो पैरेलल बीम है ये यहां पर कन्वर्ज कर जाती और ये जो दूरी है ये कितनी हो जाती, इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कि ये हो जाती 20 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर ही बात। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि बीच में क्या आ गया, कॉनकेव लेंस आ गया और उससे क्या हुआ, उससे टकरा करके जो ये रेज है ना वो रिफ्रैक्ट करी और जिसकी वजह से ये फाइनली क्या हो गई, पैरेलल हो गई। क्लियर ये बात। अब देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव लेंस की क्या खासियत होती है कि अगर इस तरीके की कन्वर्जिंग रेज जो है ना वो कहां पर डायरेक्टेड हो, अगर इस कॉनकेव लेंस के फर्स्ट फोकस पे डायरेक्टेड हो तो वो रेज क्या हो जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। क्लियर ही बात। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ना वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कितनी आ रही है, तो वो 5 सेंटीमीटर आ रही है। क्लियर ही बात। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इन दोनों लेंसेस के बीच की जो दूरी होगी, है ना, इन दोनों लेंसेस के बीच की जो दूरी है वो बेसिकली कितनी आ गई, तो 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 27। द क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं इस जगह पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 है। तो जब ये रे एंटर करेगी तो कोई भी डेविएशन नहीं आएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि चूंकि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो इस वजह से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, है ना। तो इस बार हम लोग इस इंटरफेस के लिए अगर बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया और इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है ना वो कितना है, √3 है। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि डेंसर से जब रेयरर मीडियम में जा रही है तो रे क्या होगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं कि ये जो रे है वो कुछ इस तरीके से जाने लगी और ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे √3 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर है, और क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ई लिखेंगे। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन ई कितने के बराबर आ जा रहा है, तो ये √3/2 के बराबर आ जा रहा है, जिसका मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो इस सवाल का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 37। द क्वेश्चन सेज A point object is placed at a distance of 60 cm from a convex lens of focal length 30 cm. If a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens and at a distance of 40 cm from it, the final image would be formed at a distance of, and there are 4 options. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हमारे को दे रखा है कि इस convex lens का focal length है 30 cm. अब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, तो 60 सेंटीमीटर यहां पर रखा है ना फ्रॉम द लेंस। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले ये सोचें अगर कि अगर मिरर नहीं होता तो इमेज कहां बनती, तो यहां पर अगर हम लोग बोले तो u बराबर क्या लिख सकते हैं, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, f बराबर क्या लिखेंगे, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इस वजह से है ना +30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगर हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1/v -1/u = 1/f। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, 1/v विल बी इक्वल टू 1/u + 1/f के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, 1/-60 + 1/30 के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए 1/v कितने के बराबर आ जा रहा है, तो यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं 60,
तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा टू, ठीक है। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 1/60। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि v बराबर कितना आ जा रहा है, 60 सेंटीमीटर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हमारे पास v बराबर 60 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये मिरर नहीं होता तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इमेज जो है वो यहां पर बनी होती, क्लियर है ये बात। पर अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या होगा, हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि इस मिरर की वजह से जो रेज है वो क्या होने वाली है, रिफ्लेक्ट होने वाली है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इस लेंस की वजह से जहां पर इमेज बनने वाली थी वो बेसिकली किसका रोल प्ले करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, क्लियर है ये बात, है ना। तो इस मिरर के लिए अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर मिरर के 20 सेंटीमीटर अंदर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगी, टू द लेफ्ट, है ना, 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट बनेगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो रेज है ना, वो इस तरीके से आकर के जो है ना, इस तरीके से आकर के एक इमेज बनाई, ठीक है, आई डैश, क्लियर है ये बात। और ये कैसी इमेज है, तो ये रियल इमेज है क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से बनी है, ठीक है। अब इस आई डैश से जो रेज है वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो क्या करेंगी, वो इस कॉन्वेक्स लेंस को दोबारा हिट करेंगी, क्लियर है ये बात। और एक बार और क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारा नया सवाल क्या बन गया, हमारा नया सवाल ये बन गया कि इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, तो वो इससे राइट की तरफ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि इस इमेज से, है ना, ये जो आई डैश इमेज है जो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, इससे रेज जा रही है राइट टू लेफ्ट, तो लेफ्ट की डायरेक्शन को हमें क्या मानना होगा, पॉजिटिव मानना होगा, ठीक है। तो U बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इस बार लिखेंगे -20 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां से यहां तक की भी जो दूरी है वो भी कितनी आएगी, 20 सेंटीमीटर ही आएगी, क्योंकि ओवरऑल दूरी 40 दे रखी थी, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग और क्या लिख सकते हैं, F की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, तो फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, पॉजिटिव, तो +30 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से जो हमारे को वी आएगा वो हमारा फाइनल इमेज होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/v - 1/u = 1/f, क्लियर है बात। तो यहां से देखिए 1/v कितने के बराबर आ जा रहा है, तो 1/f + 1/u के बराबर। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/30 और यहां आ जाएगा 1/-20, क्लियर है बात। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/v = यहां पर अगर मैं एलसीएम 60 ले लूं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3, मतलब ये हो गया -1/60, मतलब v की वैल्यू इस बार क्या आ रही है, -60 सेंटीमीटर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट की डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई और राइट की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, तो हम लोग यहां समझ पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट राइट पे था और इमेज भी राइट पे ही बन रही है, इसका मतलब यहां पर जो है रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि इमेज कैसी बन रही है बच्चों, वर्चुअल बन रही है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा इस सवाल के लिए फाइनल रे डायग्राम, है ना। हम लोग सबसे पहले क्या देख पा रहे थे कि ऑब्जेक्ट यहां पर था, है ना, उससे हम लोगों ने दो रेज को निकाला, तो फिर हम लोग देख पा रहे थे कि क्या हुआ, यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, है ना। तो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग देख पा रहे कि रे जो है वो बेंड कर गई। अब सामने मिरर आ गया था तो जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो गया और रिफ्लेक्टेड रे जो है कुछ इस तरीके से आने लगी, है ना। अब इन रेज को जब हम लोगों ने एक्सटेंड किया तो हमने देखा कि वो क्या कर रही है, वो तो वापस से, है ना, रिफ्रैक्शन सफर कर रही है कुछ इस तरीके से। तो रिफ्रैक्शन के बाद इस लेंस ने क्या करा, थोड़ा सा इसे कन्वर्ज कराने की कोशिश करी, पर अभी भी जो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो रेज है ये फाइनली कैसी है, ये डाइवर्जिंग है ना, जिस वजह से यहां पर अगर ऑब्जर्वर हो तो उसे उसकी इमेज यहां पर दिखाई देगी, जो कि क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल वर्चुअल इमेज, जो कि मिरर से 20 सेंटीमीटर पीछे आ रही है, ठीक है। तो बच्चों इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमें समझ में आ रहा है इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी, और हम लोग समझ पा रहे थे कि लेंस के कितने राइट में बनेगी, 60 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब मिरर से कितनी राइट पे बन गई, तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, क्लियर है बात। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है।